गाइस वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेपेजॉइडल रूल। सो हम देखते हैं पहले ट्रेपेजॉइडल रूल होता क्या है और उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ गया एग्जाम में, तो यहाँ पर एक देखना डिफरेंशिएशन का इक्वेशन दिया होगा, इंटीग्रेशन का मतलब, उसमें कुछ लिमिट दिया है आपको 2 से लेके 8 तक। याद रखना 2 जो है स्मॉल आपका है, मतलब ए से बी अगर है तो ए आपका 2 होगा और 8 जो होगा आपका बी होगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम हाइट निकालेंगे कि कितना उसका लिमिट है, ठीक है। पहले एच निकाल लेंगे, एच इज़ नथिंग बट मेरा बी माइनस ए अपॉन एन हम मान लेंगे, ठीक है। तो मेरा 8 माइनस 2 नथिंग बट एन, मतलब ये दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों 2 से 8 तक कितना डिफरेंस है, 6 का है, तो नथिंग बट हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले हम इसमें क्या करेंगे, यक्स कितनी एंटिटीज़ हैं, यक्स यहाँ तक पहुँचने में कितने यक्स को लगे, मतलब 2 लगा 3 लगा, 2 से 8 तक हम बना लेंगे पूरा, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट वन इज 8। ट्रैप कितना किया, समझ में आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल ले। अगर मेरा इफ़ my x इज 2 तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो मेरा y कितना होगा। अब देखो यहाँ पर नथिंग बट जो आपको ये इंटीग्रेशन दिया है, नथिंग बट f ऑफ x जो होता है, नथिंग बट इक्वल्स टू y, f ऑफ x आपका यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx है, y इज इक्वल टू नथिंग बट ये। तो अगर आपको y निकालना है इसका, इसका तो अगर मेरा y निकालना है जब आपका x 2 हो, तो यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे 2 पावर क्यूब dx, ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर में क्यूब है। यहाँ पर नथिंग बट इंटीग्रेशन नहीं निकालते, ये बात को याद रखना, मैंने भी ये मिस्टेक की। आपको डायरेक्टली क्या करना होता है, फार्मूला में रख देना होता है कि y x की वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है, फॉरगॉट दिस मिस्टेक, ओके सॉरी। तो आपको क्या करना है, 2 की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो 8 हो जाएगा, क्यूब निकल जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब आ जाएगा 64, 5 का 125, 2 का 216 हो जाएगा, 6 का 216 हो जाएगा, 7 का 343 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 512, ओके। अब आपको ये वैल्यूस आ गई, ठीक है, बस इतनी ही ज़रूरत है, एक एच की वैल्यू, एक यक्स और पूरे वाई की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका फार्मूला जानना होगा कि आप इसका फार्मूला होता क्या है। तो इसमें जो फार्मूला होता है, एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो या फिर ट्रेपेजॉइडल रूल इक्वल्स टू एच बाय 2 ऑफ वाई इनिशियल प्लस वाई एन, मतलब वाई का ये इनिशियल वैल्यू और वाई का एन वैल्यू, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जितने मिडल बचे, मतलब वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 ऐसे ही प्लस होके वाई एन माइनस 1, मतलब कि एन छोड़ के, ठीक है। ये पूरा ये होता है हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूला में हम अगर वैल्यू रख दें तो हमारा क्या होगा, एच की वैल्यू मैंने बोली 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, वाई 0 क्या है मेरे पास 8 है और वाई एन मेरे पास 512 है, तो ये हो जाएगा 520, ठीक है, प्लस 2 इंटू ये बीच के, मतलब y1 y2 y3 क्या क्या है, y1 y2 y3 y4 y6 हो गए, नहीं यहाँ पर मेरे को यही लेना है 3 2 5, मतलब y1 y2 y3 y4 y5 हो गए। तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 775 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, यहाँ पर 520 हो जाएगा, प्लस 2 × 775 करेंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 1550 आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 0.5 को ऐसे रखेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ 520 है, 520 में 1550 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2070, और 2070 × 5 कर देंगे तो आ जाएगा, और एक के बाद 10 लो हमारे पास 1035 आ जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। गाइस आई थिंक आई टोल्ड यू सम रॉन्ग थिंग्स अबाउट दिस फॉर्मूला, लेट्स अंडरस्टैंड अगेन। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एच बाय 2 जो होता है वो अलग होता है, पूरा बाहर होता है, फिर वाई इनिशियल प्लस वाई फाइनल होता है, 2 टाइम्स इन दोनों के बीच के नंबर जो हों, वाई वन प्लस वाई टू, ठीक है, और वाई एन माइनस वन, नथिंग बट वाई एन के पहले वाले जितने, ये पूरे को
हम लोग को इसका टू टाइम्स और ये दोनों को ऐड करके जितना भी होता है h बाय टू करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा,